दोस्तों, आज साल 2020 में हमारी पृथ्वी में लगभग 7.5 अरब लोग मौजूद हैं। दोस्तों, हर सेकंड में 4 बच्चों का जन्म होता है और हर सेकंड में 2 लोगों की मौत भी होती है। इंसानों की औसतन आयु लगभग 75 वर्ष है। दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी में जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य मरेगा, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। लेकिन वह मरता क्यों है? इसी सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है टॉकेटिव जूनिफर और आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो यार, हम मरते क्यों हैं? मैं आपको इसका 2 जवाब देने वाला हूँ, एक विज्ञान से और दूसरा धार्मिक ग्रंथों से। अगर विज्ञान की माने तो वह यह कहता है कि हम मरते नहीं हैं। जिन कोशिकाओं ने हमें जन्म दिया है वे लाखों वर्षों से जीवित है, क्योंकि जीवन 3 अरब साल पहले शुरू हुआ था। जीवन के सभी सेलुलर तंत्रों का एक सामान्य सेट साझा करता है। बहुत से लोग मानते हैं कि हम सभी के साथ एक सामान्य वंशावली साझा होती है, जिसमें बैक्टीरिया, मीयरकैट्स और ब्लू व्हेल शामिल है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम सभी अमर जीवन जी रहे हैं, जो केवल एक बच्चे से एक माँ की तरह एक दूसरे से विभाजित है। जिन कोशिकाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वे व्यक्तियों को जन्म देने में सक्षम होती है, जिन्हें हम किताबी भाषा में शुक्राणु और अंडाणु कहते हैं। और ये कोशिकाएं अमर होती है। अमर होने का मतलब इसकी मृत्यु बूढ़े होने के कारण नहीं होती है। मैं आपको इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आपके परदादा जिनका नाम ए है और आपकी परदादी जिनका नाम बी है, वे सभी भी आपके अंदर जीवित है, क्योंकि वो आपके पूर्वज है और उन्हीं की कोशिकाओं के कारण आपका जन्म हुआ है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारा शरीर जब एक समय के बाद थक कर रुक जाता है तो वह मर जाता है, लेकिन हम नहीं मरते, क्योंकि हम कोशिकाओं के समूह से बने हैं और वही कोशिकाएं फिर हमारे बेटे और पोते में भी होंगी। ये तो हुआ विज्ञान का दृष्टिकोण। और अगर धार्मिक ग्रंथों की तरफ बढ़े तो बाइबल के अनुसार पहले इंसान आदम और हवा या एडम एंड ईव ने अपनी जान इसलिए गंवाई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था। परमेश्वर से उनकी बगावत का एक ही अंजाम था, केवल मौत। और चूंकि वे हमारे पूर्वज है इसलिए उनकी वजह से यह खोट यानी पाप हम में भी आ गया। बाइबल में यह लिखा हुआ है कि एक आदमी से पाप दुनिया में आया और पाप से मौत आई, और इस तरह मौत सब इंसानों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। सभी लोग पाप करते हैं इसलिए वे मरते हैं। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक ऐसे समय का वादा करता है जब वह मृत्यु को सदा के लिए खत्म कर देगा। इसके लिए परमेश्वर मौत की जड़ यानी पाप को मिटा देगा। ऐसा करता हूँ, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे अपना बहुमूल्य लाइक जरूर दे। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो यार, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय धरती माँ।